निरसा के बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी सी पैच में हैंड लोडिंग मुद्दे को लेकर मासस द्वारा ट्रांसपोर्टिंग ठप आंदोलन का चौथे दिन है। वहीं आंदोलनकारियों की हौसला बुलंद करने को मौके पर पहुंचे पूर्व निरसा विधायक अरूप चटर्जी। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि पैच खुलने से पहले ही स्थानीय लोगों की मांग थी पैच में स्थानीय बेरोजगारों को ही रोजगार का अवसर मिले। वहीं उत्पादित कोयले का 50% लोकल सेल में दिया जाए, जिससे कि हैंड लोडिंग के माध्यम से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। पर वर्तमान में उत्पादित सभी कोयले को वॉशरी में भेज दिया जा रहा है। वहीं मुंडा धावड़ा एवं भुइया धावड़ा के विस्थापित के सवाल पर उन्होंने बताया कि इन लोगों को उचित मुआवजा देकर पुनर्वास करने की बात बीसीसीएल प्रबंधन से जारी है। साथ ही चटर्जी ने यह भी बताया कि आने वाले समय में इन क्षेत्र में कई नए पैच खुलने जा रहा है, जिसमें स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ऐसे ही लोगों ने मांग किया यहाँ पर जो पैच यहाँ पर खुल रही है, यहाँ पर लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और इसके साथ साथ जो यहाँ से कोयला उठाव हो रही है ये सीधा वासरी चला जा रहा है पूरा। हम लोगों का मांग है जो मिनिमम यहाँ पर 50% कोयला जो है यहाँ पर लोकल सेल के लिए रखा जाए, ताकि यहाँ जितने भी बेरोजगार है वो हैंड लोडिंग करके यहाँ पर अपनी